संत निरंकारी मिशन की शाखा छन्नी डमटाल और इंदपुर में आजादी के अमृत महोत्सव पर सतगुरु सुदीक्षा महाराज और निरंकारी राजपिता के सानिध्य में आज स्वच्छ जल स्वच्छ मन अभियान के तहत सफाई अभियान का आयोजन किया गया। इस सफाई अभियान में निरंकारी भवन शाखा छन्नी डमटाल और इंदपुर के 200 सेवादारों ने हिस्सा लिया। इस विशाल सफाई अभियान का शुभारंभ विधायक इंदौरा मलेंद्र राजन ने किया। जानकारी देते हुए संयोजक छन्नी डमटाल डॉक्टर शमशेर सिंह ने बताया कि सदगुरु माता के आदेशानुसार स्वच्छ जल स्वच्छ मन अभियान के तहत आज 200 सेवादारों ने इंदपुर भोजपुर डमटाल स्थित प्राकृतिक जल स्रोतों की साफ सफाई की है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस अभियान का मुख्य लक्ष्य जल संरक्षण तथा उसके बचाव के लिए अपनाई जाने वाली विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाना और उन्हें क्रियान्वित सुचारू रूप देना है। वहीं मिशन का इस परियोजना को चलाने का मुख्य उद्देश्य मुख्य जल निकायों की स्वच्छता एवं स्थानीय जनता के बीच जल संरक्षण के लिए जागरूक करना है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत आज प्राकृतिक जल स्रोतों का सफाई अभियान पूरे देश में लगभग 1000 स्थानों के 730 शहरों 27 राज्य और केंद्रीय शासित प्रदेशों में आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर प्रधान इंदपुर नवदीप कौर, संचालक छन्नी डमटाल जोगिंदर पाल, मुखी इंदपुर ब्रांच रमेश लाल, शिक्षक राकेश रोशन, जय किरण, डॉक्टर योधराज, दर्शन कुमार सहित सैकड़ों निरंकारी अनुयायी उपस्थित रहे। हिमाचल प्रदेश के लिए इंदौरा से रमन कुमार की रिपोर्ट।